Assalamualaikum dear students of pre-9 class. हम जो है आपके next lecture में जो है actually आपकी 3.2 exercise start करने लगे हैं. Last time मैंने cover किया था video में कि logarithm जो है वो क्या होता है. काफी procedural है जो है उसमें होता है. आप के लिए end video को और दोबारा से देख लेना है कि logarithm क्या होता है. अब जो है next हम जो है actually अपने question पर आ गए हैं, exercise पर आ गए हैं. इसका question 1 है. आपको जो है given first जो है कुछ number दिए होंगे आपके आपको समझ दिए होंगे. आपने क्या निकाले हैं common logarithm निकाले हैं. Find the common logarithm of each of the following numbers. ये first question है आपका. मैं यहाँ इसका पार्ट करूंगा, कुछ चेक करूंगा आपके लिए. बाकी फर्दर आप होमवर्क के तौर पर कंप्लीट कीजिए जी. इसका फर्स्ट पार्ट है आपके पास 23292. जी हाँ, फ्रेंड्स आपने क्या करना है, इसका आपने लॉगरिथम निकालना है. लेकिन कौन सा वाला निकालना है, वो दो तरह के होते हैं. एक नेचुरल हम बोलते हैं, इसकी बेस ई होती है. अब ई क्या होता है, इरेशनल होता है. पहला एक वो होती है बेस और एक जो है वो 10 होती है. यहाँ पर हम जो है 10 वाला दे रहे हैं. हमें कॉन्स्टेंट बताया कॉमन लॉगरिथम अब कॉमन लॉगरिथम निकालेंगे. यहां पर स्कीम आप लास्ट में बताई थी कि फर्स्ट आप स्कीम में क्या करते हैं कि पहले जो है आप नंबर्स को राउंड ऑफ करते हैं. अगर 5 6 7 जितने भी आपके नंबर्स दिए हुए डिजिट्स आप सो राउंड ऑफ करके 4 बनाएंगे. जी हां, 4 बनाएंगे राउंड ऑफ करके. उसके बाद नेक्स्ट आप डालेंगे क्या होगा, आप उसकी कैरेक्टरिस्टिक निकालेंगे. तो मैंने आपको दो तरीके बताए थे कैरेक्टरिस्टिक निकालने के लिए. एक तो आप फॉर्मल तरीका आपको बताया था कैसे निकालते हैं, और एक दूसरा बताया था मेल नॉन सब को आप सेंट्रल रोटेशन बनाए और 10 मिनट्स पावर में जितना नंबर आ रहा है उसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है. नेक्स्ट वाला नंबर होगा, इससे नेक्स्ट वाला नंबर वो आपको बताएगा कि आपने जो है किस जो है कॉलम को देखना है. नेक्स्ट
एक ही स्कोर है लेकिन बराबर का निकाल लेना हो तो ये आपने गलती नहीं करनी, नंबर्स भी काफी छोटे-छोटे लिखे हैं, आपने जो है किसी रो में रहना है, यहां से आपकी शेयरिंग होना। और किस जगह पे आपने पहुंचना है, जहां पर 2 पर आपको कॉलम आ रहा है, 2 कैसे पता लगा, यहां लिखा है 2, ये जो 2 3 था इसको लेगा, इस रो में रहे और 2 वाला जो कॉलम था आपको दिखा क्या लिखा, यहां पर लिखा हुआ है मुझे कुछ याद आ नहीं, मैंने 3655 यहां पर लिखा है, आपने इससे पहले कुछ लिखा हुआ 3636 लिखा हुआ बुक देखिए उस पे नोट करके आ गया, यहां पर 3655 लिखा हुआ। अब आपको नंबर नोट डाउन करना है 3655। अब नेक्स्ट इसमें कुछ ऐड होना है, वो कहां से ऐड होगा, कैसे ऐड होगा, वो जो नेक्स्ट नंबर है डिजिट है वो आपको काम देगा क्या करना है। अब देखो कुछ 9 पर यहां कॉल करेंगे, आगे कुछ इसमें लिखा हुआ है मीन डिफरेंस कॉलम, जस्ट मींस यहां पर क्या लिखा हुआ है मीन डिफरेंस कॉलम, मेन डिफरेंस कॉलम वो भी ऐसे 1 से लेकर 1 2 3 4 अप टू ये 9 तक की भी जाते हैं ऐसे, ठीक है। और आपने किसी रो में रहना है, लेकिन दूसरी वाले रो नहीं आपने छोड़नी, आपने किसी रो में रहना है और आपने किस जगह पर पहुंचना है 9 में, आपने देखा है 9 के नीचे कौन सा नंबर लिखा हुआ है, 9 के नीचे वाला यहां नंबर लिखा हुआ है 17, जी हां सर यहां पर लिखा हुआ है 17, तो वो जो नंबर आएगा आपका वो आपने इसमें ऐड कर देना है, और 17 में ऐड कर देना इसका आंसर होगा 3672, जी हां सर इसका आंसर कितना होगा 3672। इस तरह से आपने जो है वो इसका मेडिसा निकाला, मेडिसा का तो ऑलवेज पॉजिटिव रहता है लेकिन इसका आंसर जो है वो लेस देन 1 होगा, तो आप इसको लिखना कैसे है मेडिसा को, इसको मेडिसा जो पॉइंट और पॉइंट लगा लेते हैं, पॉइंट जो भी आंसर होगा आपका वो नंबर होगा, आप पॉइंट लगा के इसको लिखते हैं 0.3672। इस तरह से आप इसका स्पेस मेडिसा भी आप इसका निकाल देंगे। अब आप बताते हैं बस आप पंजाबी को से निकाल कर उसको आप लगाओ देखो वो निकल आएगा, लॉग एक्स इक्वल आपका आएगा 2 जिसकी कैरेक्टरिस्टिक थी 0.3672, आपने इसको क्या लिख दिया कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेडिस आपने करके वहां लिख दिया इसको, ठीक है स्टूडेंट्स आपने लॉग निकाल दी। अब एक्स को स्टार्ट किसको लिखा था हमने, यही था ना ऊपर एक्स, तो इसका इसका मतलब ये हुआ कि आपने इसका लॉग जो है वो निकाल दिया जो कि कितना है 2.3672। आप इसकी कंफर्मेशन जो है वो कैलकुलेटर की मदद से भी आप जो कर सकते हैं किस तरह से कितना इसका लॉग आता है, ये सर से ये है तरीका का सारा जो है कॉमन लॉग जो आपने किस तरह से निकाला। देखिए मैं आपको एक पार्ट चिन्ह लगा दिए, एक बच्चे रिकॉर्ड करता हूं डिफरेंट और देखो स्टूडेंट्स ये लिखा हुआ है इसका है थर्ड पार्ट, इसमें है 00032, यहां से क्या आ जाएगा 0.00032, यहां स्टूडेंट्स यही आ जाएगा 0.00032, जी वही सारा प्रोसेस वही सारी स्टोरी रहेगी, बस क्या देखिए नंबर आपस डिफरेंट आया लॉग निकालने के लिए वही आप लगाते जाना है, अगर आप एक बार तरीके से करिए बात तो ऑटोमेटिकली आपको जाने। अब जस्ट क्या फर्क पड़ेगा प्रैक्टिस के तो प्रैक्टिस में फर्क पड़ेगा, आप लेने प्रैक्टिस की कितनी है देखिए, अब नंबर छोटा है सॉरी यहां 3-0 है, डॉट ऑफ डॉट ऑफ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपकी, क्या वो ऑलरेडी जो सिग्निफिकेंट आपके डिजिट्स हैं वो यहां हुई है, अगर 5-6 तो इसको राउंड करते देखिए यहां ऑलरेडी हुई है, तो यहां ऐसे ही आपने सिग्निफिकेंट दिया। अब नेक्स्ट आइए इसकी प्रैक्टिस कितनी होगी, अब देखिए 1 से छोटा नंबर है और 3 0 से अगर कोई 0 होता तो प्रैक्टिस की होती माइनस 1, अगर 1 0 होता तो इसकी होती माइनस 2। अब यहां पर 3 0 से इसकी प्रैक्टिस की मिलेगी माइनस 3, तो माइनस 3 को मैं यहां लिख सकता हूं, अब यहां पे लिख सकते हैं लेकिन वहां पर आप लिखे कैसे, आप उसके ऊपर बार लगा के शुरू कीजिए नेगेटिव प्रैक्टिस की। अब जो आप सीधा काम पे आप नेक्स्ट ईयर करना है वही प्रोसेस जो आपको मैंने प्रैक्टिस की निकालने के लिए सॉरी मेडिसिन निकालने के लिए बताया, मेडिसिन निकालने के लिए आपको करना है इस फर्स्ट कॉलम में टेबल आपका दिया हुआ है टेबल 293 पेज 294 पेज पे है, आपने उसके ऊपर गौर करना है। हां जी अब आप क्या कर रहे हैं कैसे पता लगाएंगे, देखिए आपस नंबर आ रहे हैं यहां 32 बस ओनली, इसके बाद क्वेश्चन पढ़ लिखा उसका मतलब जीरो, आपने यहां बहुत सी चीज करना भी किया 23 का लास्ट में 23 तक गए थे, आप सो आंसर करते 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 आपने 32 पे पहुंच जाए, 32 के सामने जीरो वाला कॉलम आप यहां देख लेना नंबर क्या है, और नंबर लिखा 5051 नंबर लिखा होगा। अब कहीं आगे भी नहीं हम गए, आगे को नहीं गए क्योंकि आगे कुछ लिखा नहीं हुआ, इसलिए हमने जीरो भी देख लिया क्या नंबर आया, तो ये स्टूडेंट्स इस बार जैसे कैटेगरी की मेडिसिन लिखा रहेगा 0.5051, तो इसका मेडिसिन आ जाएगा 5051, बस इतना ही चेंज करना था आपने, तो इसका जो है मेडिसिन वो निकल आया, ठीक है स्टूडेंट्स वो लिख दिया आपने यहां पर, तो लॉग नोट में कितना लिखा है आपका 3 का माइनस 5051, तो इसका आंसर आ जाएगा मिलाकर दोनों का इस तरह से टैक्सी प्लस आपका मैट्रिक्स आ जाता है, तो आपका जो रिक्वायर्ड वर्क था वो स्टूडेंट्स इस तरह से निकल आया।
इतना कितना है 3x-3 है और बाकी 505 है। इस तरह से आपका जो है वो लॉग जो है वो गिवन डिवाइड नंबर का निकल है। स्टूडेंट आप इस तरह बाकी पार्ट्स से को बीट करने हैं। एक और चीज आपको जो मैंने ज्यादा दिमाग में चाहिए थी कि जब तीन चार लॉग लिखे हों उनके सीक्वेंस जो है नंबर्स डिजिट्स आप सेम वही लिखे हों तो मेंट फाइल उसको सेम रखे आपका। अब सेकंड क्वेश्चन में स्टेट भी आपका यूज किया है उसने एक लॉग दिया वो कहता है कि विदाउट टेबल आप उसको जो है वो आप टेबल की तरफ नहीं देखना आप पास जो मैं दे रहा हूँ रिक्वायर्ड लॉग आपने वो निकाल रहे हैं। एक लॉग से दिया हुआ है आपने बाकी लॉग है उसकी मदद से आपने निकाले टेबल को आपने फॉलो नहीं करना सिर्फ जो है स्टैटिस्टिक की बदलेगी हर सूरत में